डिय स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटेंट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन लेटेंट फंक्शंस आर अन इंटेंडिड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल दैट आर नाट डायरेक्टली रिलेटेड टू देर प्राइमरी फंक्शंस हमने स्कूल के जो इंटेंडिड कॉन्सिक्वेंसेज हैं या विजिबल एम्स गोल्स या मकासद हैं उसके हवाले से बात की है हमने देखा है कि स्कूल के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं बच्चे को सोशलाइज़ करना होता है उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना होता है और ख़ास तौर पे उसको नेशनल और मॉरल वैल्यूज़ सिखाना होता है जो अन इंटेंडेड हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से जो स्कूलिंग सिस्टम है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसे नतज भी प्रोड्यूस करता है कि जो शायद जिनको हम अप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में उनके हवाले से हम कॉन्शियस नहीं होते हैं कि क्या वाकई हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये मकसद होना चाहिए ये इसके साथ एडिशनल फीचर्स के तौर पे या कॉन्सिक्वेंस के तौर पे रिफ्लेक्ट होते हैं सो इन दिस कॉन्टेक्सट ऑफ एजुकेशन लेटेंट फंक्शंस कैन इंक्लूड सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इक्वालिटीज़ एंड द डवेलपमेंट ऑफ डिफरेंट सोशल नेटवर्क तो ये जो अन इंटेंडिड कॉन्सिक्वेंस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नगेटिव भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पर एक तो बच्चे की सोशलाइजेशन हो रही होती है लेकिन इसके साथ साथ लामो हाल उसकी सोशलाइजेशन के अंदर वो इनक्वालिटीज़ भी जो हैं वो पैदा हो रही होती हैं मसल बच्चों के अंदर जो ये कंपिटिशन है कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आएगा दूसरा सेकंड आएगा तीसरा थर्ड आएगा और बाकी जो हैं वो पासिंग मार्क्स लेके पास होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि फेल की कैटेगरी के अंदर होंगे तो ये बच्चों के अंदर जो एक दर्जाबंदी या स्ट्रेटिफिकेशन का निज़ाम पैदा कर देता है जिससे ये होता है कि फ्यूचर के अंदर यही रवैये है जो हैं वो लेटर ऑन पर पैचुएट करते जाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी के वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं है या नेगेटिव हैं Then, in Pakistan, if you take the example of latent functions of education, it may include the transmission of cultural values and beliefs, the socialization of students to the norms and expectations of their respective social classes, and the development of social networks that can be important for future career opportunities. By analyzing the latent functions of education, we can gain

मिसाल के तौर पे जो एलीट क्लास का एक कल्चर होता है वो ना चाहते हुए भी उन बच्चों के अंदर ट्रांसमिट हो रहा होता है इसी तरह से स्कूल्स के अंदर बच्चों बच्चे एक दूसरे से जो जहाँ अच्छी अदात अतवार सीख रहे होते हैं वहीं पर बुरे रवैये भी सीखते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चों की सोशलाइजेशन जो है वो पॉजिटिव हो रही हो कुछ बच्चे जो हैं उसके अंदर नेगेटिव सोशलाइजेशन प्रोसेस के में से भी गुजर रहे होते हैं तो जब बच्चे आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ तल्लत बनाते हैं एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ बनाते हैं तो ला मुहला जो है वो इस तरह के नेगेटिव रवैये भी एक दूसरे से सीख लेते हैं सो अन इंटेंडेड जो हैं इसके हवाले से हमें ये देखना होता है कि कोई भी कल्चर या कोई भी सिस्टम जो है वो अपने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरह के नेगेटिव या पॉजिटिव अन इंटेंडेड रिफ़्लेक्ट कर रहा है फूड फॉर थाट आपके लिए ये है कि आप पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखें स्कूलिंग सिस्टम के अंदर ख़ास तौर तो पर यह देखें कि कैसे वो डिफरेंट अन इंटेंडेड रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं और उनका लेटर ऑन बच्चे की सोशलाइजेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है